The Rats and the Elephant's Story। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी, The Rats and the Elephants। Long, long ago, a group of rats lived happily in a forest. One day, a herd of elephants passed through that area in search of water. Many homes of the rats were destroyed under their big feet. Some rats were also killed. Long, long ago, यानी बहुत पुरानी बात है, a group of rats, यानी चूहों का समूह, खुशी खुशी एक जंगल में रहता था. One day, a herd of elephants, herd of elephants का मतलब होता है हाथियों का झुंड. हाथियों का झुंड वहाँ से गुजर रहा था, उस एरिया से जहाँ पर वो चूहे रहते थे, in search of water, यानी पानी की खोज में वहाँ से एक दिन क्या हुआ, हाथियों का झुंड गुजरा. Many homes of the rats were destroyed under their big feet, और उस रास्ते पे, क्योंकि चूहों का घर था और हाथियों के बड़े बड़े पैरों के नीचे, भारी भारी पैरों के नीचे उन चूहों के घर बर्बाद हो गए. और सम ऑफ रैट्स वर आल्सो किल्ड, और कुछ चूहे तो उनके पैरों के नीचे आकर मर गए, यानी हाथी के पैर के नीचे आकर कुचले गए. अब ये जो हमारा फर्स्ट पैसेज था, उससे रिलेटेड हम कुछ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं. दिस पैसेज इज अबाउट फॉरेस्ट, जू, सिनेमा हॉल, होम्स. किसके बारे में है ये पैसेज? ये पैसेज है फॉरेस्ट के बारे में. हम जंगल के बारे में इस पैसेज में हमने पढ़ा है, और जंगल में कौन रहते थे? चूहे. वेयर डिड द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव? ग्रुप ऑफ रैट्स कहाँ पर रहते थे? जंगल में रहते थे. सो द ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. हु पास थ्रू दैट एरिया? उस एरिया से कौन गुजरा? कौन गुजरा उस एरिया से? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का झुंड. व्हाई डिड दे पास फ्रॉम देयर? वो वहाँ से क्यों गुजर रहे थे? यहाँ पर जो दे है, दे का मतलब है एलिफेंट्स. वो वहाँ से क्यों गुजर रहे थे? पानी की खोज में, ठीक है, वो वहाँ से गुजर रहे थे. हाउ वर सम रैट्स किल्ड? रैट्स कैसे मारे गए? सम रैट्स वर किल्ड अंडर द एलिफेंट्स फीट, राइट, उनके पैरों के नीचे आके वो मारे गए. हाउ डिड द रैट्स लिव? रैट्स कैसे रहते थे? खुशी खुशी रहते थे ना, हमने देखा ना, दे लिव्ड हैप्पली इन द फॉरेस्ट, तो वो खुशी खुशी जंगल में रहते थे. एंड व्हाट वर द एलिफेंट्स सर्चिंग फॉर? एलिफेंट्स क्या सर्च कर रहे थे? वो पानी की खोज में वहाँ से निकल रहे थे. सो द एलिफेंट्स वर सर्चिंग फॉर वाटर. चलिए, आई होप ये फर्स्ट पैसेज सबको क्लियर हो गया होगा. नाउ विल कम टू द सेकेंड पैसेज. द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स गजराज एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ट. He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. Mushak Raj was very happy and pleased with Gajraj. He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. Ab kya hua? The king of rats, jo chuhon ka raja tha, jiska naam tha Mushak Raj, wo हाथियों के राजा के पास गया, और हाथियों के राजा का नाम था गजराज. और उसने उससे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, कि आप जो आपका झुंड है, जो हर्ड है, वो आप प्लीज़ दूसरे रूट से, दूसरे रास्ते से पॉन्ड की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि हाथी क्या पीने जाते थे? पानी पीने जाते थे उस रास्ते से. तो उसने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ दूसरा रास्ता अपना लीजिए, ठीक है. और जो एलिफेंट्स का जो राजा था, हाथियों का जो राजा था, जिसका नाम था गजराज, उसने उसकी एक्सेप्ट को सॉरी उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. और उसने एलिफेंट्स को दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा. जितने भी दूसरे हाथी थे, उन्होंने बोला आज के बाद कोई भी हाथी रैट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी, और मूषक राज बहुत खुश हो गया, एंड प्लीज्ड विद गजराज,
ठीक है। तो उसने बहुत खुश हुआ और उसने उसको थैंक यू बोला, गजराज को थैंक यू बोला और उसको प्रॉमिस किया कि वक्त आने पर, ठीक है, वक्त आने पर हम भी आपकी मदद के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, हमेशा जब तब जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी, ठीक है, तब हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें? गजराज वॉज, गजराज कौन था? तो गजराज कौन था? द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का राजा। और जैसे हमने देखा कि चूहों का राजा कौन था? चूहों का राजा था मूषक राज। वॉट डिड द किंग ऑफ एलिफेंट्स डू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट? जो चूहों का राजा था, जब उसने हाथियों के राजा से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस एक्सेप्ट को, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बोला कि हम दूसरा रास्ता ले लेंगे। वॉट डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस? किंग ऑफ द रैट्स ने क्या प्रॉमिस किया? कि जब भी उनको कोई भी ज़रूरत होगी हमारी, है ना, किसी भी मुसीबत में, वो हमेशा एलिफेंट्स की हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। हु थैंक टू होम? किसने किसको धन्यवाद दिया? हु थैंक टू किसने दिया? मूषक राज ने किसको थैंक यू बोला? गजराज को। तो मूषक राज थैंक्ड गजराज। नेक्स्ट इज हु वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स? कौन गया किंग ऑफ एलिफेंट्स के पास? मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स। व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मेड ऑफ गजराज? क्या रिक्वेस्ट की? द रिक्वेस्ट मेड टू गजराज वॉज टू टेक हिज हर्ड फ्रॉम अनदर रूट। उसने बोला आप अपने हाथियों को दूसरे रूट से जाने के लिए बोलिए। नेक्स्ट इज हु वॉज प्लीज्ड विद गजराज? तो कौन प्लीज हुआ, कौन खुश हो गया गजराज की बात सुन के, कि जब गजराज ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया? तो मूषक राज वॉज प्लीज्ड विद गजराज। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा ये वाला पैसेज भी अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट पैसेज पर मूव करते हैं। हियरिंग दिस द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हिल बिग एलिफेंट्स। और ऐसा सुन के, जब क्योंकि मूषक राज ने गजराज को बोला कि जब भी आपको हमारी रिक्वायरमेंट होगी या हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी, हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी हो जाएंगे और आ जाएंगे। तो ऐसा सुनकर, हियरिंग, ऐसा सुन के जो एलिफेंट्स थे, जो दूसरे एलिफेंट्स थे, वो हंसने लगे। और वो ये सोच के हंस रहे थे कि एक छोटा, ये छोटे से क्रिएचर्स, ये छोटे छोटे रैट्स, किस तरीके से हम बड़े बड़े हाथियों की हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के वो हंसने लगे। After few months, कुछ महीनों बाद, one fine day when the rats were playing, they heard loud shout of elephants coming from the direction of the pond. मूषक राज realized that the elephants were in some danger. तो एक दिन क्या हुआ, अब काफ़ी समय गुजर गया, अब एक दिन क्या हुआ, जो rats थे, चूहे थे, वो खेल रहे थे और उनको they heard, उनको सुनाई दिया, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी elephants की। कहाँ से आ रही थी? जहाँ पर पॉन्ड था, यानी उस रास्ते से उनको आवाज़ आ रही थी जहाँ पर वो पॉन्ड था, जहाँ पे हाथी पानी पीने जाया करते थे। मूषक राज रियलाइज दैट, और मूषक राज को पता चल गया, क्योंकि आवाज़ें कैसे आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, राइट। तो वो समझ गया कि एलिफेंट्स क्या है, कुछ ही खतरे में है, ठीक है। और उसने क्या किया, He asked some of the strong rats in his group to come along. और उसने अपने जो ग्रुप के जो ताकतवर चूहे थे, उनको उनके साथ चलने के लिए कहा, and they went in the direction of that sound. और वो उस direction में चलने लगे जहाँ से elephants का sound आ रहा था, ज़ोर ज़ोर से उनकी आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। चलिए इनके questions देखते हैं। द एलिफेंट्स वर, अब एलिफेंट्स इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं आपके। द एलिफेंट्स वर प्लेइंग किल्ड इन सम डेंजर और बातें। तो एलिफेंट्स क्या थे, एक मुसीबत में पड़ गए थे वो, इन सम डेंजर। हाउ वॉज द डे वेन द रैट्स वर प्लेइंग?
तो वो दिन कैसा था? इट वॉज अ फाइन डे. हमने अभी भी देखा ना, वन फाइन डे. सो इट वॉज अ फाइन डे. वॉट डिड दे हियर? उन्होंने क्या सुना? दे हर्ड लाउड साउंड ऑफ एलिफेंट्स. उन्होंने एलिफेंट्स की आवाज़ें सुनी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी. फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड दे हियर इट? कहाँ से, किस डायरेक्शन से वो आवाज़ें आ रही थी? दे हर्ड इट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड. जहाँ पर वो पॉन्ड था वहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी. हु रियलाइज्ड अबाउट सम डेंजर? किसको समझ में आ गया कि हाथी भाई कोई ना कोई मुसीबत में तो ज़रूर हैं? तो मूषक राज. और मूषक राज को समझ में आया, मूषक राज कौन थे? चूहों का राजा. तो मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन डेंजर. होम डिड मूषक राज आस टू कम अलॉन्ग? और मूषक राज ने अपने साथ आने के लिए किनको कहा? हमने देखा ना कि उन्होंने किसको बोला, स्ट्रॉन्ग रैट्स, जो उसके ग्रुप में स्ट्रॉन्ग रैट्स थे उन्होंने उसको अपने साथ में चलने के लिए कहा, मूषक राज ने. ठीक है. इन विच डायरेक्शन डिड द रैट्स गो? दे वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. जहाँ से वो साउंड आ रहा था वहाँ की तरफ वो सारे के जो चूहे थे उस तरफ दौड़ पड़े. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट कॉट इन द ट्रैप केप्ट बाय सम हंटर्स. अब जैसे ही वो पॉन्ड के पास पहुँचे, उस तालाब के पास पहुँचे, तो उन्होंने देखा जो एलिफेंट्स थे वो जाल में फंसे हुए थे, जो जाल हंटर्स ने, शिकारी ने बिछाया हुआ था, यानी वो उसमें फंस चुके थे. द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ. और जो रैट्स थे उन्होंने तुरंत वो जो शार्प उनका नेट था, ठीक है, शार्प सॉरी जो उनका नेट था वो अपने उन्होंने शार्प टीथ से काटना शुरू कर दिया. सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री. और जल्द ही एलिफेंट्स उस जाल से बाहर आ गए. दे थैंक द रैट्स एंड ऑल्सो फील्ड सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज. और उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया और सॉरी भी बोला कि क्योंकि उन्होंने उनका पहले मजाक उड़ाया था ना कि ये छोटे से जो जानवर हैं वो इतने बड़े एलिफेंट की हेल्प क्या कर सकते हैं, है ना. तो एलिफेंट्स को तो लग रहा था कि वो खुद ही इतने स्ट्रांग हैं, उनको कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन फाइनली आपने देखा ना कि छोटे साइज़ के जो रैट्स थे उन्होंने बिग साइज़ के एलिफेंट की कैसे हेल्प की, है ना. तो इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि ये छोटा है ये बड़ा है. ऐसा सोचे बिना हमें सबकी हेल्प के लिए रेडी रहना चाहिए और कभी भी किसी को फील नहीं कराना चाहिए कि नहीं आप ये नहीं कर सकते. नो, अगर हम हमारे अंदर उस चीज़ को करने की क्षमता है, ताकत है, तो हम ज़रूर कर सकते हैं. चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं. हु फेल्ट सॉरी? एंड में, स्टोरी के एंड में किसने सॉरी फील किया? एलिफेंट्स ने, राइट. वेयर वर द एलिफेंट्स? एलिफेंट्स कहाँ थे? दे वर नियर द पॉन्ड. वॉट हैपन टू द एलिफेंट्स? द एलिफेंट्स वर कॉट इन द ट्रैप. जो शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था वो उस जाल में फंस गए थे. हु हेल्प द एलिफेंट्स? एलिफेंट्स की किसने हेल्प की? रैट्स ने. द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स. हाउ डिड रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स? कैसे की उन्होंने हेल्प? द रैट्स बिट द रोप्स ऑफ द ट्रैप विद देयर शार्प टीथ. उन्होंने अपने जो दांत थे, शार्प जो उनके टीथ थे, उनसे पूरा वो जाल उन्होंने काट दिया. हु थैंक द रैट्स? फिर रैट्स को किसने धन्यवाद बोला? एलिफेंट्स ने. तो एलिफेंट्स थैंक द रैट्स. वाई डिड एलिफेंट फील सॉरी? द एलिफेंट फील्ड सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ रैट्स. कि उन्होंने चूहों का मजाक उड़ाया था तो उन्होंने उनको सॉरी बोला कि उनसे गलती हो गई. सो आई होप ये स्टोरी सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. और ऐसी सेम स्टोरी आपने पहले भी पढ़ी होगी, द लॉयन एंड द माउस, राइट. सेम स्टोरी है बट द कैरेक्टर हमारे थोड़े चेंज हुए हैं. ओके, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या? यही है कि हमें एक दूसरे को नीचा कभी नहीं दिखाना चाहिए और हमेशा, छोटा हो या बड़ा, हमेशा हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहना चाहिए. चलिए, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय एवरीवन.